दिखाते हैं युवाओं के आइकॉन नित नए अपने कामों से चर्चित एवं सिंघम अंदाज में रहने वाले बिहार के डीआईजी मनु महाराज, जिनके नाम से अपराधियों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वर्तमान में वे सारण रेंज के डीआईजी के पद पर पदस्थापित हैं। आइए जानते हैं शराब माफियाओं पर कैसे होती है कार्रवाई, एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू पाठक की नजर के साथ। हम अभी खड़े हैं सारण डीआईजी मनु महाराज के कार्यालय के पास। अभी उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे सारण के पूरे समस्याओं के बारे में, हमारी उनसे बात होगी। फिलहाल हम चलते हैं सारण डीआईजी के पास। छपरा, सिवान और गोपालगंज तीन जिले आपके अंदर हैं। शहरी क्षेत्रों में तो बहुत कुछ नियंत्रित है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में इस पर कोई नियंत्रण नहीं है। बड़े पैमाने पर शराब की बिक्री जस्ती तरह से बहुत अच्छा क्रियान्वयन भी हुआ है, लेकिन जमीन पर उसका दिख नहीं है। इस बारे में देखिए, शराबबंदी 2016 से लागू है और उसके में लगातार कार्रवाई हुई है। बाहर से जितनी शराब आती है, झारखंड से, वेस्ट बंगाल से, यूपी से, उत्तरांचल से, पंजाब से, हरियाणा से, राजस्थान से, गुजरात से, बड़े बड़े शराब माफियों में कार्रवाई हुई है, शराब तस्कर पकड़े गए हैं। जहां तक कि आप पूछ रहे हैं कि ग्रामीण एरिया में कमी नहीं आई है, तो आप पुराना फिगर कंपेयर कीजिए 2016 से पहले का और 2016 के बाद का, तो लगातार उसमें कार्रवाई हुई है। जहां शराब की भट्टी खुलेआम चलती थी और लोग रेगुलरली शराब पीते थे, घर घर में शराब पीते थे, तो आज उसमें निश्चित तौर से कमी आई है। आप गांव में जाके महिलाओं से पूछिए, तो महिलाओं ने आगे आके पुलिस का सहयोग किया है, और कंपेरेटिव फिगर अगर आप देखेंगे तो आप उसको जान जाएंगे कि ऐसा नहीं है कि कमी नहीं हुई। जहां पे शराब बनती है वहां पे लगातार लोग सूचना देते हैं, वहां पे कार्रवाई होती है, और जो थाना प्रभारी उसमें सक्षम नहीं है, पदाधिकारी उसमें सक्षम नहीं है, उन पे भी कार्रवाई होती है। तो ये एक ऐसा प्रयास है जो लंबे समय तक चलने वाला है, समाज को सुधारने वाला है। तो समाज में लोगों को भी आगे आना होगा और पुलिस का, प्रशासन का प्रयास इसमें लगातार चल रहा है। आप कम्युनिटी हेल्प चाहते हैं, इसके लिए कोई पहल की गई है पुलिस की ओर? कम्युनिटी हेल्प मिल रही है हम लोगों को, कई हेल्पलाइन नंबर हम लोगों के द्वारा दिए गए, जो शराबबंदी के संबंध में कंट्रोल रूम्स खोले गए, मद्य निषेध विभाग जो है वो भी हेल्पलाइन नंबर देता है, हम लोगों के नंबर पे भी सूचनाएं आती हैं। तो कम्युनिटी लगातार हेल्प कर रही है और इसमें सुधार हो रहा है। आप एक सकारात्मक चीज देखिए कि पहले क्या था और आज क्या है, अगर आप कंपेयर करेंगे फिगर तो आपको उसमें फर्क नजर आएगा। सही, इसको जीरो बदतर करेंगे, जो फिगर है वो बिल्कुल शून्य हो जाए, न बने न बिके न किया जाए, ऐसा प्रयास चलता रहेगा और ये लगातार कार्रवाई चलेगी तो मुझे लगता है कि जल्द से जल्द शून्य हो जाएगा। आपको भी लोगों को सजग करना है, घर घर में जाकर संदेश देना है, क्योंकि एक एक घर के अंदर पुलिस नहीं घुस सकती, तो वहां के जो लोग हैं इस चीज को प्रचारित करें कि इसके क्या दुष्प्रभाव है। ठीक है, तो जीरो अपने आप होगा। सामाजिक तौर पर लोगों को जोड़ने के लिए प्रशासन से, लोग खुद आगे आए, इसको रोके, आपके साथ संबंध बनाए, युवा आपसे जुड़े, इसके लिए कोई पहल जिला प्रशासन की ओर से की गई ताकि लोगों को? बिल्कुल की गई है, गांव गांव में अभियान भी चलाए गए, लोगों के साथ मीटिंग्स भी की गई, कई गांव के मुखिया, कई गांव के जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको सूचनाएं दी गई, गांव गांव में जाकर प्रचार किया गया। अभी दो दिन पहले जो था शराबबंदी की शपथ हम लोगों ने ली है, दोहराई गई है पुलिस वालों की तरफ से, सब प्रशासन की तरफ से, और इसका प्रचार गांव गांव में किया जा रहा है। आप ऐसे अधिकारी के तौर पर जाने जाते हैं सर, कि जहां भी जाते हैं अपराध नहीं होता है, मतलब जहां अपराध है वहां मनु महाराज जाएंगे और कम छपरा सिवान अपराध के लिए बिहार में लगभग टॉप पे रहता है। आपके आने के बाद प्रशासनिक सक्रियता तो बहुत दिखती है, लेकिन जमीनी उसका क्रियान्वयन, अपराधियों में डर, उसमें कमी बहुत बड़े पैमाने पर नहीं थी। हमको लीगल दायरे के अंदर काम करना है, स्पीडी ट्रायल करवाना है, कांड का उद्भेदन करना है, क्राइम को होने से रोकना है, और हमारे जो तीनों एसपी हैं तीनों जिला के, छपरा के, सिवान के और गोपालगंज के, तीनों सजग हैं। आपने देखा होगा हाल के दिनों में जितने भी घटनाएं कारित हुई उनका उद्भेदन हुआ, सफल उद्भेदन हुआ, कई अपराधियों को सलाखों के पीछे भेजा गया, लगातार छापेमारी हुई, कई जगह किडनैपिंग भी हुई तो विद इन 2 आवर्स उसको बरामद कर लिया गया, गोलीबारी हुई तो उसका उद्भेदन हुआ। तो उद्भेदन से लगातार कार्रवाई करने से अपराध कम होगा, और उसमें स्पीडी ट्रायल करवाने से, अपराधियों को जेल भेजने से निश्चित रूप से इसमें कमी आएगी। ये लंबा प्रयास है और ये चलता रहना चाहिए। आपके जनता दरबार में काफी लोगों की भीड़ होती है, डीआईजी के यहाँ जनता दरबार में भीड़ होना ये अच्छी बात तो भी नहीं है?
अगर देखा जाए तो अगर थानों में उसका निष्पादन हो जाता तो लोग डीआईजी के पास नहीं आते। यहां तक अभी देखा गया है कि बड़े बुजुर्ग जो चलना जो अपना नित्य क्रिया ठीक ढंग से नहीं कर पाते हैं वो लोग डीआईजी के यहाँ फरियाद लेकर आते हैं, इसमें कहाँ कमी है सर? इसमें तो आप पॉजिटिव एस्पेक्ट देखिए ना कि डीआईजी का काम क्या है, तो फिर तो आपके कहने से तो डीआईजी के पद को हटा दिया जाए। नहीं बिल्कुल, डीआईजी के पास आने के बाद ही उन लोग का काम होता है। नहीं ऐसा नहीं है, ये बात गलत है। कुछ लोगों को विश्वास है और कुछ लोगों का काम होता है उसके बाद भी आते हैं, कुछ लोगों को और उम्मीद है। मैक्सिमम मामले में ऐसे देखता हूं जो जमीनी विवाद से जुड़े हुए हैं और उसमें थाना स्तर से कार्रवाई नहीं हो पाती है, तो उसमें हम लोग इंटरेस्ट लेते हैं, उसमें कार्रवाई करते हैं। अब तो हमको जनता दरबार करना है और जितने भी जमीन से संबंधित जुड़े मामले भी हैं प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित करके उनको हमको सुचारू रूप से आगे बढ़ाना है। एक चीज है सर, प्राथमिकी जो दर्ज होती है एफआईआर या लिखित शिकायत जो भी टोटली निःशुल्क है, लेकिन अगर आप ग्रामीण क्षेत्रों में जाएं तो लोगों के बीच एक कॉमन भावना है कि अगर हम थाने जाएंगे तो केस करेंगे तो पैसा लेना ही देना है और पैसा दिया ही जाता है। इसमें मैं किसी मतलब सवाल नहीं खड़ा कर रहा हूँ, ये एक हकीकत है। इसको कम करने के लिए या खत्म करने के लिए कोई पहल आपकी ओर से होगी भविष्य में या हो रही है या होगी? मैं इस चीज को आपको बताता हूँ कि ऐसा कोई भी मामला नहीं है जो हम लोगों के पास व्हाट्सएप पे भी आ जाए, एसपी के पास, डीआईजी के पास या एसडीपीओ के पास, तो उसका कंप्लायंस ना हो और व्हाट्सएप के माध्यम से ही एफआईआर दर्ज हो रही है। हाँ। इस चीज का आप प्रमाण लोगों से पूछ के कर सकते हैं और आप ऐसा टेस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है। ये तो चीज ऐसी है कि इसको दबाया नहीं जा सकता कि एफआईआर कोई करना चाहता है तो कोर्ट के जाने की जरूरत नहीं, आप व्हाट्सएप पे खाली भेज दीजिए आपकी एफआईआर होगी अगर वो ठीक एफआईआर होगी तो लोगों को इस चीज के लिए सजग हो जाना चाहिए कि पैसे देने की कहीं जरूरत नहीं। सर हम कम्युनिटी रेडियो से हैं और हम चाहेंगे कि अपने तरफ से आप कम्युनिटी रेडियो को क्या कहेंगे, मतलब उसके थ्रू लोगों को और प्रशासन को क्या कहना चाहिए? कम्युनिटी रेडियो को यही कहेंगे कि कम्युनिटी के बीच अच्छा संदेश फैलाए, कम्युनिटी के लिए काम करें, लोगों को लोग जो हम लोगों के बीच थे आज नहीं रहे।